गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो भाई आज है संडे और संडे को होती है भाई छुट्टी। अब छुट्टी के दिन क्या ही करना इंसान ने, मोस्टली सोते ही हैं। तो वही है भाई, हम भी आज सो रहे थे काफ़ी टाइम तक सारे के सारे। अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उठे, उठते ही पहला काम भाई हमारा, देखो जो वो है ना हमारा नेपाली, हमारा शेफ रोटी तो वो बना गया, ठीक है। बट बात है ऐसी, बने आलू के पराठे और बिना चाय के आलू के पराठे खाने का मज़ा आता नहीं है। अब दूध हमारे पास है नहीं तो भाई रूम वाले कहते जाओ भाई दूध लेके आओ। बड़ी देर तो पहले हमारी ये डिस्कशन हुई कि लेने कौन जाएगा भाई दूध, मैं जाऊँ तू जाऊँ कौन जाएगा। तो भाई फाइनली मैं और ईशान ने ये जिम्मा अपने सिर पे लिया है। ये देखो ईशान यहाँ पे खड़ा है और स्कूटी की चाबी भाई ऊपर भूल के आ गया, ये तो वेट कर रहा भाई चाबी का। ये आ गई चाबी, चलो भाई लेट्स गो ईशान, लेट्स गेट सम मिल्क ब्रो एंड लेट्स हैव सम टी। फाइनली हम यहाँ पे एटीएम पे आए हैं, ईशान ने पैसे निकालने थे। ये देखो भाई इसका पासवर्ड दिखाता हूँ मैं आपको, सारे आना ईशान के अकाउंट में से पैसे निकालना। ईशान भाई बताओ भाई पासवर्ड बताओ, लोग आपका पासवर्ड जानना चाहते हैं। तो भाई ये देखो दूध आ गया यहाँ पे, दही आ गया, बर्फ लेके आए हैं साथ में। तो अभी चलते हैं रूम पे भाई, बंदे हमारे कब से ना चाय रख के बैठे हैं पता है, सिर्फ पत्ती और दूध रख के दूध का वेट कर रहे हैं। तो चलो भाई पहले चलते हैं चाय बनाएंगे गाइस। गाइस आ गए रूम पे, लो भाई चाय रख दी हमने, चीनी डालने जा रही है ये निशु भाई, आज बना रहे हैं पराठे और चाय। अभी भाई खाएंगे हम लोग मस्त भाई। यार मौसम ना कल बढ़िया था, लग रहा था बारिश होगी लेकिन हुई नहीं, बट आज ना बड़ी उमस सी है, मुझे लग रहा है आसपास कहीं बारिश हुई है शायद ना, उमस काफी ज्यादा है, बड़ी ज्यादा ह्यूमिडिटी हुई पड़ी है भाई, पसीना आ रहा है। ऊपर से लाइट भी जा रखी है, वैसे हमारे यहाँ लाइट जाती नहीं नॉर्मली, बट आज चले गई है तो क्या कर सकते हैं भाई, अब चले गई है तो चले गई है, अब गई है तो आ भी जाएगी, सीधी सी जो बात है ना। पहले खाना खाएंगे यार, भूख लगी बड़ी जोर से। तो गाइस मैं नहाने गया हुआ था भाई, मेरे नहाने के पीछे ना इतना खतरनाक काम होना यहाँ पे, ये सब मेरे को बताया कहते यहाँ पे ना हमारे, मैंने तुमको बताया था यहाँ पे काम लगे हुए मिस्त्री वगैरह काम करने के लिए। ये स्लाइड पे खड़े थे भाई, टूट गई, वो नीचे गिर गया बंदा, वो देख रहे हो भाई, उसका हाथ वो टूट गया ब्रो, उसका हाथ टूट गया एक का, और दो तीन बंदे गिरे हैं, अच्छी खासी चोट लग गई है यार, खतरनाक यार ब्रो। वो यहाँ से गिरे, देख सामने ये जो दिख रही है ना तुमको, ये वाली यहाँ से गिर गया, वो बंदा लेटा ना नीचे, उसका हाथ टूट गया भाई। आई फाइनली देखो यार बारिश भाई क्या बात है, मतलब इतने दिनों से मैं कह रहा था यार खरड़ बारिश नहीं बढ़ती भाई, फाइनली गाइस आज बारिश पड़ रही है। बादल देखो भाई कितने काले काले यार, मतलब इतनी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना यार, सही बता रहा हूँ, कल से इतनी गर्मी लग रही थी ना, अभी मौसम ठंडा हो गया और बड़े दिनों बाद बारिश नसीब हुई है यार, मतलब इतना टाइम हो गया बारिश नहीं देखी। वैसे मुझे लगता नहीं ज्यादा देर रहेगी, मगर भाई सीरियसली यार, चलो यार थोड़ी बहुत तो आई ठंडा ठंडा। ईशान भाई साहब बारिश बारिश ब्रो, मजेदार बारिश। ओ कबूतर जा रहा है, देखो वो कबूतर जा रहा है, एक ये देखो ये भी कबूतर है, एक वो कबूतर है भाई। जबरदस्ती बारिश लगी यार, तेज तेज मजेदार एकदम बढ़िया। वो देखो सूरज निकल रहा हल्का हल्का बादलों के अंदर। बाकी ब्रो भाई सीरियसली बता रहा हूँ, जब से आऊँ ना यहाँ पे बारिश नहीं देखी यार, फर्स्ट टाइम यहाँ पे बारिश नसीब हुई है मेरे को। वो दो बंदे आ रहे हैं हमारे, वो देखो दुकान से आ रहे हैं भाई, बहुत स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, जिंदगी में स्ट्रगल बहुत है। भाई साहब क्या भाई बारिश चेक करो यार भाई। हाँ वैसे ना मैंने इस फोन पे भाई कभी पानी डाला नहीं है, कहते हैं आईफोन वाटरप्रूफ होता है, मगर रिस्क कौन ले भाई, मगर आज बनता है ब्रो। भाई सारे ईशान एक्सरसाइज कर रहा है, ईशान बारिश के मजे भाई, बहुत तेज बारिश है यार, पानी पानी होगा नीचे। बस हो गया। चलो जैसा कि कल तुम लोग को मैंने बताया था कि भाई मेरे चार्जर की तार टूट गई थी, कल लेने जाना था, कल जा नहीं पाए, आज कल एक्चुअली मैं भूल गया था, और बारिश आ रही थी काफी टाइम से वेट कर रहा था, अभी बारिश बंद हो गई है भाई, काफी हो गया पानी यहाँ पे, और जो सुबह बंदा गिरा था ना वो यहाँ पे गिरा था भाई, वो वहां से ऊपर से यहाँ पे। बाकी ये लगी भाई ईशान की स्कूटी, तो चलते हैं पहले यूएसबी देख के आते हैं भाई, यहाँ के बाजार का वैसे मेरे को आइडिया नहीं है, थोड़ा देखना पड़ेगा घूम फिर के कहाँ पे मिलेगी, वैसे मिली जाएगी, इतना बड़ा बाजार है भाई, एक ना एक शॉप तो होगी ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो गाइस पहले चलते हैं और साथ में एटीएम से पैसे भी निकालने हैं यार, थोड़ा कैश की भी जरूरत है तो एटीएम भी जाना है, चलो लेट्स गो गाइस। ये
तो गाइज ये है अपने पास की मार्केट। अब वहां पे रोज रात को वैसे यहीं पे आते हैं। कल जो हम लोगों ने वो ड्रिंक्स पी थी वो भी यहीं पे पी थी। अभी मेरे को यहाँ पे ढूंढनी है, ओह माय गॉड खड्डा बड़ा, तो मुझे भी यहाँ पे ढूंढनी है दुकान जहाँ पे मुझे यूएसबी मिल जाए। ओके ब्रो यहाँ पे शॉप है, यहाँ से पूछता हूँ, यहाँ शायद मिल जाएगी। रुको लेट्स सी गाइस। गाइस केबल तो मिल गई मेरे को, उस शॉप से नहीं मिली, दूसरी शॉप से ली है। भाई ये केबल 350 रुपए की है। मैंने पठानकोट से ना केबल और चार्जर साथ में लिया था, मुझे बंदे ने 1500 का दिया था। अभी यहाँ से मैंने केबल ली 350 की। अब भैया चार्जर कितने का? कहते 500 रुपए का। और मैंने जिससे लिया था ना उस बंदे ने मेरे को चार्जर प्लस केबल दोनों दी थी 1500 की, और वो कह रहा था कि भाई ये केबल मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, सिर्फ चार्जर 1500 का है। भाई दुनिया कितना लूटती है यार। बाकी यार मोमोज खाने का मन कर रहा है मेरे को, मौसम ठंडा है, ये सामने मोमोज की शॉप दिख रही है। भाई मोमोज ट्राई करते हैं चलो। एक पता नहीं चंडीगढ़ के अंदर ना इतने बड़े बड़े मोमोज क्यों बनाते हैं भाई, इतने बड़े मोमोज मैंने नहीं देखे चंडीगढ़ में, दिखते मेरे को। बाकी ठीक है इतने कोई खास नहीं। बाकी यार पता है क्या, मेरे को बड़ी गंदी चुल है, मतलब मोमोज के इतना शौकीन होना है मुझे। कोई भी दुकान दिखते हैं ना मोमोज वगैरह वाली, भाई अपन हर मोमोज की दुकान पर मोमोज ट्राई जरूर करते हैं। आई एम अ मोमोज लवर। बाकी मौसम ठंडा था, मन कर रहा था मेरा, ठीक है एवरेज, नॉट दैट ग्रेट, नॉट दैट बैड, ओके। बाकी इसको ख़त्म करते हैं, अभी ATM भी जाना है मेरे को। और यार पिल्लो मैं सोच रहा हूँ खरीदो नहीं खरीदो, रात को यार पता है बिना पिल्लो के सोने की आदत नहीं है, और पिल्लो मेरे पास है नहीं है। देखता हूँ शॉप अगर दिख गई रास्ते में फिर तो ले लूंगा, नहीं तो फिर किसी और दिन देख लेंगे, ठीक है। ओ यार गाइज शॉप तो बंद है यार, ये वाली शॉप थी ये जो ऊपर तुम लोग को दिख रही है, भाई ये शॉप बंद है। सो आज पिल्लो नहीं मिल पाएगा हमको, पिल्लो किसी और दिन ले लेंगे, चलो कोई बात नहीं। मगर पैसे जो निकालने थे यार, पैसे एक्चुअली ऐसा है कि देखो मैंने किसी को देने हैं, मेरे रूममेट को ही देने हैं, उसने मेरे लिए पे किए थे तो मुझे वापस करने, रिटर्न करने हैं। तो गूगल पे मैं यूज़ करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि देखो ऐसा है कि मेरे गूगल पे में अब थोड़े पैसे बचे हैं कम। तो मम्मी ने बोला है कि तू ऐसा करा कर, तू मेरे में से कैश निकाल ले मेरे कार्ड में से, क्योंकि मम्मा का कार्ड मेरे पास ही है, मम्मा को पता है मेरे पास भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसे हैं, तो कार्ड मम्मा का मेरे पास है। अब ऐसा है कि देखो कई जगह पे ना हमको ज़रूरत पड़ती है गूगल पे की ही, तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे गूगल में थोड़ा पैसे रहे। बाकी चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा तो हमने देने नहीं है, थोड़े ही है देने वाले, बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, फिलहाल चल जाएगा। बाकी यार बारिश देखो हल्की सी पड़ी है, और भाई क्या ही मौसम हो गया है यहाँ पे, रोड गीले गीले, ऊपर बादल देखो कितने मस्त लग रहे हैं, और थोड़ा सा ठंडा भी हो गया यार, बढ़िया आज एक नंबर। तो गाइस मूवी देख रहे हैं फिलहाल हम लोग अभी, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट मूवी देखते हैं। एंड दिन भाई आज का अच्छा रहा, संडे था, बाकी तुम लोग को बताया कट गया जैसे मर्जी। बाकी यार कल देखो, कल अपने को ऑफिस जाना है, कल हमारा फर्स्ट डे ऑफिस के अंदर, एक्सपीरियंस तो देखो मुझे नहीं पता कल क्या होना क्या नहीं होना। ट्रेनिंग होगी वैसे, बेसिकली स्टार्टिंग में ट्रेनिंग ही होगी, तो कल टाइम पे उठना है इसलिए आज जल्दी सोना पड़ेगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना, अगर चैनल पे नया हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड लव गाइस।